नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अपने सीखने के इस सफर में, अपने संकल्प में स्वागत है। तो जिस प्रकार से हम अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अपने आप को निखारते जा रहे हैं, उसी निखार की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने की शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाएं, आप तैयार हो जाइए अपने पेन और कॉपी के साथ और एक एक सीखी हुई बातों को अपनी कॉपी में नोट करते हैं, जिससे हम बेहतर तैयारी को कर सकें। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी भी चीज़ का सपना देख रहे हैं तो उसे हासिल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी का भी सपना देख सकते हैं तो उसे हासिल कर सकते हैं। तो आप सपने को देखते रहिए और उसे हासिल के लिए अपने आप को लगाते रहिए, अपने आप को झोंकते रहिए। तो आइए आज के सफर को प्रारंभ करते हैं और आज का अपना टॉपिक है गुणनखंड यानी कि फैक्टर। क्या होता है ये गुणनखंड, आइए बात करते हैं। गुणनखंड चीज क्या है? गुणनखंड का मतलब होता है जैसे कोई भी संख्या लिखी हो, उस संख्या में किसका किसका भाग चला जाएगा, उसे बोलते हैं गुणनखंड। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा है 120 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि इस 120 में किस किस संख्या का भाग चला जाएगा, उसे बोलते हैं गुणनखंड। अगर हम बात करें गुणनखंड कैसे होते हैं तो थोड़ा देखिएगा। जैसे हमने बोला 120, तो हम बोले 120 के कितने गुणनखंड है, तो आप सोचिएगा कि 120 में किसका किसका भाग जाएगा। आइए देखते हैं 120 में किसका भाग जाएगा। आप बोलोगे एक का जाएगा, दो का जाएगा, तीन का जाएगा, चार का जाएगा, पाँच का जाएगा, छः का जाएगा, सात का नहीं जाएगा, आठ का, देखो आठ एकम आठ, चार बची और आठ पंचालीस, हाँ आठ का जाएगा, नौ का देखो नौ एकम नौ, नौ का नहीं जाएगा, दस का जाएगा, ग्यारह का नहीं जाएगा, बारह का जाएगा, तेरह का नहीं जाएगा, चौदह का नहीं जाएगा, पंद्रह का जाएगा। आप थोड़ा सोचिए किसका किसका भाग जाएगा। सोलह का भाग नहीं जाएगा, सत्रह का नहीं जाएगा, अठारह का नहीं जाएगा, उन्नीस का भी नहीं जाएगा, बीस का जाएगा, उसके बाद चौबीस पंचे एक सौ बीस, चौबीस का जाएगा, तीस का जाएगा, चालीस का जाएगा, देखो कितना सोचना पड़ रहा है, साठ का जाएगा और एक सौ बीस का जाएगा। मतलब अगर हम पूछें 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो इतनी संख्याओं से भाग जाएगा। कितनी है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। तो अगर पूछा जाए 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? 16। इसे बोलते हैं गुणनखंड। लेकिन बात उठी कि यार इतना कौन सोच पाएगा वहाँ, तो ये नहीं करना आपको। तो क्या करना है, आइए सीखते हैं गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे उसने बोला 120 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे। जैसे उसने बोला 120 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो हम एक काम कर रहे हैं, 120 के हम नॉर्मल प्राइम फैक्टर करते रहे, जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हम क्या करेंगे, 120 के हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं नॉर्मली जो हम करते हैं। आइए करते हैं कैसे। दो से करेंगे, यह सभी को आता है, दो से करेंगे साठ, फिर दो से दे रहे हैं ये तीस, फिर दो से दे रहे हैं ये पंद्रह, अब तीन से कर देंगे तीन पचे पंद्रह, और अब पाँच से कर देंगे पाँच एकम पाँच, और इनको पावर में लिख लीजिएगा। इसको पावर में जब लिखेंगे तो ये हो जाएंगी दो की पावर तीन गुणे तीन की पावर एक गुणे पाँच की पावर एक। और जब गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो क्या करना है, थोड़ा सा गौर करिएगा, हमें इस आधार से मतलब नहीं है। यहाँ गुणनखंडों की जब संख्या पूछी जाती है तो मतलब होता है इन पावरों से, और जो भी पावर होती है उसमें एक एक बहा के लिख देते हैं। जैसे यहाँ तीन बना है तो आप बना दोगे चार, यहाँ एक है तो आप लिख दोगे दो, और यहाँ एक है तो आप लिख दोगे दो, तो चार दूनी आठ दूनी सोलह। वेरी गुड। देखिएगा जो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले निकाला था सोलह, वो भी ऑटोमेटिक आ चुका है सोलह। बस यही चीज़ आज हमें सीखनी है, आज की क्लास इसी के नाम करने वाले हैं, बेहतरीन चीज़ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाए अपनी कॉपी को उठा के, नोट्स बनाना प्रारंभ करें और चीज़ों को लिखना प्रारंभ करें, माइंड से सीखना प्रारंभ करें। क्या कि जब गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे ऐसे तो गुणनखंड का मतलब होता है कि उसमें किसका किसका भाग जाएगा, लेकिन इतना वह हम नहीं सोच सकते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी संख्या दी जाएगी उसके प्राइम फैक्टर कर देंगे, और जो भी प्राइम फैक्टर करेंगे उसको पावर के रूप में लिख दिया, और फिर जो भी पावर आएंगी उससे एक एक भाग के हमें लिख देना, और जो भी आएगा वो टोटल गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। तो आइए देखते हैं आज सफर में आज हमें क्या क्या सीखना है। आज का सफर बहुत बेहतरीन है, कौन कौन से पॉइंट सीखने हैं। सबसे पहले सीखना है गुणनखंडों की संख्या यानी कि सभी गुणनखंडों की संख्या। उसके बाद हमें सीखना है सम गुणनखंडों की संख्या,
उसके बाद सीखना है विषम गुणनखंडों की संख्या, मतलब जो हमारे टोटल गुणनखंड हमने यहाँ निकाले थे, ये टोटल लिखे थे हमने, इसमें कुछ सम संख्याएं हैं तो हमें सम गुणनखंडों की संख्या स्पेशली अलग से बतानी है, विषम गुणनखंडों की संख्या हमें अलग से बतानी है, उसके बाद उन सभी गुणनखंडों का योगफल भी सीखना है, और सम गुणनखंडों का स्पेशली योगफल सीखना है, और विषम गुणनखंडों का योगफल सीखना है, और इसके साथ साथ बहुत कुछ नए क्वेश्चन जो आज हम पहली बार सीखने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार आज इन सभी पॉइंटों को सीखने के लिए। तो देखते हैं गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। जिस प्रकार से पूछा गया कि गुणनखंडों की संख्या, हमें इससे पूछा है कि 20 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हम पहले पार्ट में तीन चीजें सीखने वाले हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या, उसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या, और उसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे ही उसने संख्या बोली 20, आप कुछ ना करें, इस 20 के प्राइम फैक्टर करो, 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, और इसको अगर हम पावर के रूप में लिखें तो 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। अगर देखिएगा, अगर पूछा जाए कुल गुणनखंडों की संख्या, सुनिएगा, अगर पूछा जाए कुल गुणनखंडों की संख्या, तो जो भी पावर उससे एक एक बहा के लिख दो, यहां 2 लिखा तो 3 लिख दो, 1 लिखा तो 2 लिख दो, और 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6। याद रखिएगा, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो जो भी पावर है उसमें एक एक इंक्रीज करके लिख देंगे और गुणा कर देंगे, सीधे आ जाएगा 6। अब पॉइंट को नोट रखिएगा, अगर इन केस यहां पूछ देता कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, मतलब वो नंबर कितने हैं जो सम है, कौन से सम गुणनखंड, तो आज देखिएगा, जैसे यहां ये नंबर्स लिखे हैं, तो यहां सम कौन है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम सम जो सम संख्याएं हैं वो गुणनखंडों की संख्या पूछे। अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कैसे करना है, हम जब डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, तो अगर डायरेक्ट यहां सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी, तो एक चीज याद रखिएगा, जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो जो 2 है, स्पेशली 2 जो है उसकी पावर सेम टू सेम लिख दी जाएगी। जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो 2 की सेम टू सेम पावर लिख देंगे 2, और उसके बाद जो भी दिया जाए उसमें 1 बहा के लिखना है, या 1 है तो आप 2 लिख दोगे, और 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। सही है, इसके सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 4। और इन जगह, इस जगह अगर हम पूछ देते विषम गुणनखंडों की संख्या, तो ऐसे देखिएगा, अगर इस जगह हम पूछ देते विषम गुणनखंडों की संख्या, तो जब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी, तो देखिएगा, जब विषम की पूछ रहे हैं तो सम का कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब इस 2 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये 2 हटा दो, क्या बचेगा, 5 की पावर 1, या पावर 1 है तो आप पावर कितनी हो जाएंगी, 2, क्योंकि 1 बहा के लिखना है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। वेरी गुड, आशा करते बात को समझ रहे हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, जैसे 20 के गुणनखंड हम लिखें तो 20 में किसका किसका भाग जाएगा, 20 में इन्हीं 6 संख्याओं का तो भाग जाएगा। देखिए, अगर हम पूछें कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप टोटल गिने कितने हैं, 6, जो हमारा निकला है 6। अगर हम पूछें सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम कौन से हैं, 2 4 10 20, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है हमारी, 4। अगर हम पूछें विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम संख्या कितनी है, 1 और 5, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल आई, 2। आशा करते बात को आप पकड़ रहे हैं क्या, कि अगर कुल गुणनखंड पूछे जाए तो सबकी पावर में एक एक बहा के हमें गुणा करना है, अगर सम गुणनखंड पूछे जाए तो 2 की पावर सेम लिखनी है और बाकी सब में एक एक बहा के गुणा करना है, और अगर विषम पूछे जाएं तो 2 से कोई मतलब नहीं है, बाकी जो लिखा है उन सबका भैया एक एक बहा के गुणा करना है। तो अगर बात समझे हैं और बेहतर से अभ्यास करते हैं, आप भी अपने साथ हमारे साथ साथ अभ्यास करिएगा। उसे संख्या बोली 140, आप तुरंत 140 देखेंगे, इसके फैक्टर करना स्टार्ट कर दो, 2 से करेंगे 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1, यही तो होगा। तो इसको अगर हम पावर के रूप में दें तो 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। उम्मीद करते ही बात कर चुके हैं, अब देखते हैं अगर कुल पूछा जाए तो हमारे साथ साथ आप सभी लोग बोलिएगा, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आप क्या लिखने, यहाँ 2 है तो 3 1 है तो 2 1 है तो 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, तो जब सम पूछा जाता है तो आपको क्या याद रखना है कि 2 की पावर सेम, 2 की पावर क्या होगी, सेम, तो 2 की पावर तो 2 लिखनी है, यहाँ 1 है तो 2 लिखो, 1 है तो 2 लिखो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। और अगर इन केस यहाँ विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, तो भाई साहब जब विषम पूछा जाता है तो 2 से कोई लेना देना नहीं होता है, 2 को हटाओ, 2 से की पावर को हटाओ, यहाँ 5 की पावर 1 है तो 2 लिखो, 1 है तो 2 लिखो, भैया टोटल कितना हो जाएगा, 4। वेरी गुड, आशा करते हैं बात समझ चुके हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या 12 है, सम गुणनखंडों की संख्या 8, और सब विषम गुणनखंडों की संख्या 4। आशा करते इस प्यारी
ऐसी बात को आप बेहतर तरीके से सीख चुके हैं। ऐसे ही बेहतर चीजों को और सीखते रहिएगा, और बेहतर चीजों को सीखते सीखते नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपकी स्क्रीन पर फिर से लग चुका है। उसे बोला है संख्या दी है 420, यानी कि 420 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए, सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालिए। जल्दी से जल्दी प्रयास करिएगा। आपने क्या किया, आपने 420 लिखा, फैक्टर करना स्टार्ट कर दिया 210, फिर 2 से किया 105, अब 3 से कर देते हैं 3 त्रिका 9 3 5 15, 5 से कर दो 5 7 35, 7 से कर दिया 1। अगर इनको हम पावर में दें तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, गुणे 7 की पावर 1 है। ऐसा करते हैं, यही है, आ जाइए। अगर कुल गुणनखंड पूछें तो सभी लोग जल्द से जल्द अपनी कॉपी में नोट करेंगे कुल गुणनखंड क्या होगा। यहाँ 2 है तो आप 3 लिखोगे, 1 है तो 2 लिखोगे, 1 है तो 2 लिखोगे, 1 है 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, सही है। तो इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 24। कुल गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 24। उसके बाद अगर हम पूछें आपसे सम गुणनखंडों की संख्या, तो जब सम में हमें क्या याद रखना है, 2 की पावर सेम रखी जाती है, तो 2 की पावर तो 2 है, वो तो सेम हो जाएगी, बाकी सब में एक एक बहा के लिख देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 16। और अगर हम पूछ दें यहाँ पर विषम गुणनखंडों की संख्या, तो जब विषम पूछेगा तो हमें याद रखना है 2 से कोई लेना देना नहीं होता है, बाकी से लेना देना होता है। इनको जब लिखेंगे, यहाँ 3 की पावर 1 है तो 2, 5 की पावर 1 है तो 2, 7 की पावर 1 है तो 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8। आशा करते हैं प्यारी सी बात आप सब बेहतर तरीके से सीख चुके हैं, बेहतर तरीके से इन चीज़ों को आपने समझ लिया है। तो अगर इन बेहतर तरीके से इन चीजों को समझाए, अभी सफर और आगे सीखना बाकी है। अभी हमने सिर्फ 3 पॉइंट सीखे हैं, हमने कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा है, और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा है। अब इसी के आगे थोड़ा सा और बात करते हैं, आगे देखते हैं। अब आता है इन गुणनखंडों का योगफल बताइए, मतलब जो गुणनखंड आपने निकालने अभी सीखे हैं, यानी कि जो टोटल गुणनखंड निकालना सीखा है, सम गुणनखंड निकालना सीखा है या विषम गुणनखंड निकालना सीखा है, कह रहा है इनका टोटल तो बताओ, कह रहा है इनका टोटल तो बताओ। आइए इन सब का हम टोटल निकालना सीखते हैं। कैसे निकालते हैं, नॉर्मल जैसे उसने बोला 20 के योगफल बताइए, गुणनखंडों का योगफल हमारा टॉपिक हो गया, मतलब इसमें हम तीनों के योगफल निकालना सीखेंगे। तो जैसे वो बोलेगा तो हम नॉर्मल वही अपना 20 के फैक्टर करते हैं, 10 पहले देख लेते हैं, 5 और 5 तो हो जाएंगे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। यहाँ तक आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब उसे डायरेक्ट पूछा है कि नहीं, हमें गुणनखंडों की संख्या नहीं चाहिए, अगर गुणनखंडों की संख्या पूछता तो हम यहाँ 3 और 2 3 दूनी 6 बोल देते, लेकिन नहीं, वो कह रहा है कि नहीं हमें गुणनखंडों का योगफल चाहिए। तो आ जाइए, जब कुल गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए तो एक बार थोड़ा सा नज़रों से देख लीजिएगा, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, आप सिर्फ समझ लीजिए, बातें आपको समझ में आ रही हैं और बेहतर आप सीख रहे हो और बेहतर आप सीखोगे। तो अभी हम बहुत ही पॉइंट इसमें सीखने हैं, तो सर सुनिएगा, जब उसने कहा सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ, तो अब वो क्या करना है, जैसे ये 2 की पावर 2 है तो इसको हमें कैसे लिखना है, हमें 2 जितनी भी पावर होंगी हम 0 से स्टार्ट करेंगे पावर, और जहाँ जितनी पावर होंगी वहाँ तक लिखेंगे प्लस करके। कैसे, यहाँ 2 की पावर 2 है तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 गुणे, या 5 की पावर 1 है तो इसको लिख दो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। आ जाइए, तो 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4, 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2, और किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। तो आ जाओ, 4 2 6 और 1 7 गुणे 5 और 1 6 और 7 छंग कितने हो जाएंगे, 42, सही है। अगर पूछता कुल गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, तो कुल गुणनखंडों का हमारा योगफल जो निकल के आया वो कितना आया, 42। एक बार फिर से समझिएगा क्या किया, जितनी भी पावर है हम 0 से स्टार्ट करेंगे पावर को और वहां तक लिखेंगे जितनी पावर दी जाएंगी। जैसे 2 की पावर 2 है तो हमने क्या लिखा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 गुणे, यहाँ 5 की पावर 1 है तो हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 होती है 4, 4 2 6 6 और 1 7 5 और 1 6 और 7 छंग कितने हो जाएंगे, 42। आशा करते बात को आप पकड़ लिए हैं, बात को अगर पकड़े हैं तो अभी और रुकिएगा, अभी तो भाई साहब ये सभी गुणनखंडों का योगफल आया। अब अगर इन केस वो पूछ दे कि नहीं ये बताओ सिर्फ सम गुणनखंडों का योगफल बताइए, अगर वो पूछ दे कि नहीं सिर्फ सम गुणनखंडों का योगफल बताइए, तो आ जाइए, अब अगर यहां सम का पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो ऐसा समझिएगा, बात को पकड़िएगा, अगर सम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए तो आपको पता है सम, जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती थी तो वो पावर सेम टू सेम लिखते थे, तो मतलब वही है, जब सम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए तो उस समय क्या करना है, हम 2 को जो है 2 की पावर 0 से
स्टार्ट नहीं करेंगे, हम सीधे एक से स्टार्ट करेंगे। मतलब हम जो लिखने वाले हैं वो हम लिखेंगे 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 गुणे, अब बाकी अपना सेम है 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 = 4, 2 = 6 और गुणे 5 और 1 = 6 और 6 छरंग कितने हो जाएंगे 36। सही है, जब सम गुणनखंडों की संख्या योगफल पूछा जाएगा तो क्या याद रखना है, 2 की पावर 0 से नहीं, कहाँ से स्टार्ट होना है, 2 की पावर 1 से, और बाकी अपना सेम टू सेम लिख देना है। तो सम गुणनखंडों का जो योगफल आएगा वो आ जाएगा 36। और इनकेस अगर यहाँ वो विषम गुणनखंडों का योगफल पूछता, थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ अगर विषम गुणनखंडों का योगफल पूछता तो देखिएगा, जब विषम का पूछ रहा है तो पता है सम से कोई लेना देना ही नहीं है, जब विषम का पूछा है तो सम से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब इस 2 वाले के पोर्शन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लेना देना इससे है 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो देख लीजिएगा, विषम गुणनखंडों का योगफल आ रहा है 6, सम गुणनखंडों का योगफल आ रहा है 36, और 36 और 6 जोड़ दो तो भैया सभी गुणनखंडों का योगफल कितना आया 42। आशा करते हैं बात आप पकड़ रहे हैं, बात आप सीख रहे हैं, और अगर सीख रहे तो एक बार और समझिए क्या किया हमने, एक बार और समझिए, जैसे ही उसने 20 बोला हमने 20 के प्राइम फैक्टर किए, पावर में लिखा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। अगर पूछता कुल गुणनखंडों की संख्या तो जितनी भी पावर होंगी हम 0 से स्टार्ट करेंगे और वहां तक की पावर लिख देंगे। तो आ जाओ 2 की पावर 2 को क्या लिखा, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 कैलकुलेट किया तो सभी गुणनखंडों का योगफल 42 आ गया। और इन केस अगर सम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाता, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि वहाँ 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, कहाँ से स्टार्ट करना है 2 की पावर 1 से, तो 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 फिर याद 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 कैलकुलेट किया तो ये छचन कितना आ गया 36। और अगर विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाता तो जब विषम पूछ रहा है तो 2 से लेना है देना ही नहीं है, तो 2 का पूरा गैप कर दिया, बाकी जो बचा उसे कैलकुलेट कर दिया। आशा करते हैं बात पकड़ में आ गई है, और अगर बात पकड़ में आ चुकी है तो बार और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक और सभी को चीजों को सीखते हैं। जैसे 140 दिया उसने, देखिएगा उसे 140 दिया है, 140 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे हम, कुल का भी निकालेंगे, उसके बाद सम का भी निकालेंगे और विषम का भी निकालेंगे। आप भी हमारे साथ साथ प्रयास करिएगा, क्या है 140 आप फैक्टर करना स्टार्ट करो, 2 से करेंगे 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से कर दो 5 = 7, 7 = 1। अच्छा इनको पावर में अगर दे दो तो ये हो जाएंगे 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1, यही तो होगा। तो आ जाइए, अगर हम पूछें कुल गुणनखंडों का योगफल तो कैसे लिखना है, थोड़ा सा बात को पकड़िएगा, बस लिखना है आपको आसानी सब आता है, जब कुल गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए, जैसे ये 2 की पावर 2 है तो आप लिखोगे 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 है तो आप लिखोगे 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 0 + 7 की पावर 1। आशा करते हैं ये बात आप समझ रहे होंगे। आ जाइए 2 की पावर 2 = 4 और 2 = 6 और 1 = 7 गुणे 5 और 1 = 6 गुणे 7 और 1 = 8। तो इनको सीधे सीधे गुणा करेंगे तो 7 × 6 = 42, 42 × 8 कर दो तो 8 × 2 = 16 हासिल बचेगी 1 × 6 = 8 = 32 और 1 कितने हो जाएंगे 33। सही है, तो अपने कुल गुणनखंडों का जो योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा 336। 7 × 6 = 42 × 8 तो 8 × 2 = 16, 1 = 8 = 32 और 1 = 33। तो अपने कुल गुणनखंडों का जो योगफल आया वो कितना आया बोलिएगा, आप बोल रहे हो 336। यहाँ अगर हम पूछ देते कि नहीं सम गुणनखंडों का योगफल बताइए, पकड़िएगा बात को, अगर हम पूछ देते नहीं सम गुणनखंडों का योगफल बताइए तो जब सम का पूछा जाता तो आपको क्या पॉइंट माइंड में नोट रखना है कि जब सम पूछा जाएगा सिर्फ किसको यूज नहीं करना है, 2 की पावर 0 को। तो बस हम क्या लिखने वाले हैं, तो हम वहां लिखते 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 बाकी सब सेम है 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 0 + 7 की पावर 1 तो आ जाइए ये हो जाएंगे 4 और 2 = 6 गुणे 6 गुणे 7 और 1 = 8 तो ये हो जाएंगे 6 × 36 × 8 और 36 × 8 करेंगे तो 8 × 6 = 48 4 बचेगा और 8 = 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28। सही है, तो अपने सम गुणनखंडों का जो योगफल आता वो सम गुणनखंडों का योगफल कितना आ जाएगा 288। आप बात पकड़ लिए हैं, अगर बात पकड़ लिए हैं तो अभी बात अभी बाकी है, कह रहा विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए, जब विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए तो क्या याद रखना है, जब विषम पूछ रहा तो सम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब 2 वाले के पोर्शन से कोई लेना देना ही नहीं होता है, हमें सिर्फ इतने पोर्शन को नोट करना होता है। तो आ जाइए क्या लिखोगे आप,
ये दो से कोई लेना देना नहीं है। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 तो ये हो जाएंगे 5 और 1 6, 7 और 1 8 और 8 6 कितने हो जाएंगे 48। तो अपना राइट आंसर आ जाएगा विषम गुणनखंडों का योगफल कितना आ जाएगा 48। चेक कर लो आप, अरे भाई साहब विषम का आया 48, सम का आया 288, अगर इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल कितना आया 336। आशा करते हैं बात आप समझ चुके हैं, और अगर बात समझ रहे हैं तो इन्हीं बातों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए और बेहतर अभ्यास करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है 200। जल्दी से इस 200 के हम सभी गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे, सभी का भी निकालेंगे, सम का भी निकालेंगे और विषम का भी निकालेंगे। आइए कैसे करते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 200 के फैक्टर कर देंगे। 2 से फैक्टर करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से कर रहे हैं 25, 5 से कर दो 5 और 5 से कर दो 1। अच्छा पावर में लिख दो तो 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, यही तो होगा ना। अब अगर पूछा जाए कुल का पूछा जाए तो कुल पूछा जाएगा, तो 2 की पावर 3 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 को आप क्या लिखोगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, यही तो लिखना है। तो चलो आ जाओ, 2 की पावर 3 कितनी होती है आप बोलोगे 8, 2 की पावर 2 कितनी होती है 4 और 2 की पावर 1 कितनी होती है 2 और 2 की पावर 0, तो बस आ जाओ। तो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 हो जाएंगे 15 गुणे 5 की पावर 25, 25 और 5 कितने होते हैं 30 और 1 31, और इनका जब गुणा करेंगे 15 एकम 15 हासिल बचेगा कितना 1 और 15 तिया 45 और 1 कितने हो जाएंगे 46, सही है। अगर पूछा जाए कुल गुणनखंडों का योगफल तो कुल गुणनखंडों का योगफल कितना आया 456। अगर कुल गुणनखंडों का योगफल पूछा जाता तो आ रहा है अपना 456। और अगर इसी जगह वो पूछ देता सम गुणनखंडों का योगफल, अगर पूछ लेता सम गुणनखंडों का योगफल, तो भैया सम गुणनखंडों के योगफल में क्या याद रखना है कि भैया वहां 2 की पावर 0 नहीं लेना, तो 2 की पावर 0 नहीं लेना, क्या लेना है 2 की पावर 1 से, तो 2 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3 और ये प्लस सॉरी 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, तो आ जाओ तो ये हो जाएंगे 8, 8 4 12, 12 और 1 कितने हो जाएंगे 13 गुणे सॉरी 8 और 4 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 आठ चार 12, 12 और 2 14 सॉरी यहाँ 13 नहीं 14 हो जाएंगे, 8 और 4 12 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 14, क्योंकि 2 की पावर 1 तो 2 होती है, 2 की पावर 1 तो 2 होती है, तो 2 की पावर 3 8 हो गए, ये 4 12 हो गए, 12 और 2 14 हो गए और इनका योगफल 31 हुआ, और इनको जब जोड़ेंगे तो 14 एकम 14 हासिल बचेगी 1 चौथिया 42 और 1 कितने हो जाएंगे 43। तो अपना जो आपसे पूछा जाएगा अगर ये पूछा जाए सम गुणनखंडों का योगफल कितना आया, तो सम गुणनखंडों का योगफल कितना आ जाएगा 434 की विषम गुणनखंडों का योगफल बताओ। अगर विषम गुणनखंडों का योगफल बताओ तो जब विषम का पूछेगा तो उस समय तो सम से कोई लेना देना नहीं है, ये सम वाला पूरा पोर्शन चला जाएगा, वहां सिर्फ 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 को तो आप सिर्फ 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 लिखते हैं और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, सही है। तो अपना राइट आंसर आएगा अगर विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए तो 31, सम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए 434 और अगर टोटल पूछा जाए तो इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 465। यहां तक आशा करते हैं कि आप गुणनखंडों के योगफल को बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं, लेकिन गुणनखंडों के योगफल को सीखने के बाद अभी एक बहुत ही बेहतरीन चीज और सीखने वाले हैं। आज हम पहली बार आप ये सीखने जा रहे हैं, हमने गुणनखंडों का योगफल सीख लिया है, अब देखिएगा एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि जो भी इसके गुणनखंड है उनका गुणनफल बताइए। वेरी गुड, वो कह रहा है कि जो भी गुणनखंड है उसके गुणनफल बताइए, तो उसको भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार और हम यहां तक की कहानी रिपीट करते हैं। अब गुणनफल पे बात करते हैं कि गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकलेगा, गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकलेगा। जैसे हम बोले 20 के गुणनखंडों का गुणनफल बताइए, तो 20 के जो फैक्टर है 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, यही तो होता है। मतलब अगर पूछे इसके टोटल गुणनखंड कितने हैं, तो टोटल गुणनखंड थे 3 गुणे 2 बराबर 6। तो अब आया उसने बोला है 20 के, तब वो कहे गुणनखंडों का योगफल बताइए, 20 के गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो अपनी कॉपी में नोट रखिएगा, गुणनखंडों का योगफल बराबर होता है, सभी लोग गुणनफल बराबर होता है, नोट कर लें अपनी कॉपी में कि गुणनखंडों का गुणनफल बराबर होता है, गुणनखंडों का गुणनफल बराबर होता है, क्या होता है कॉपी में नोट रखिएगा, लिखिएगा संख्या
लिखो संख्या की पावर, क्या संख्या की पावर गुणनखंडों की संख्या, संख्या की पावर गुणनखंडों की संख्या बटे दो। नोट रखिएगा, गुणनखंडों का योगफल बराबर, एक छोटी सी लाइन को हम याद रखेंगे, गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या होता है, संख्या की पावर गुणनखंडों की संख्या बटे दो। यानी कि संख्या, संख्या हमारी कितनी दे रहा है वो 20 की पावर, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी है 6 बटे 2, तो 2 × 6 और 20 की पावर 3 करेंगे, 20 की पावर 3 कितनी होती है 8000, सही है। तो 20 के गुणनखंडों का जो गुणनफल निकलेगा वो कितना निकलेगा 8000। आशा करते हैं ये बात आप समझ चुके हैं, गुणनखंडों का जब गुणनफल पूछा जाएगा तो क्या होता है, संख्या की पावर गुणनखंडों की संख्या बटे 2। जब गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाएगा क्या यूज करोगे, संख्या की पावर गुणनखंडों की संख्या बटे दो। वेरी गुड। और अगर ये बेहतरीन बात सीखे है, इस बात पे एक और अच्छे से अभ्यास करने के लिए आइए क्वेश्चन और देखते हैं। यहां तक हमने जितनी बातें सीखी आज हमने बेहतरीन से बहुत चीजें सीख ली हैं, आइए इन सभी बातों को एक बार हम रिवीजन करते हैं, बेहतरीन तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बाय चांस बोल देते 50, हमने एक नंबर दे दिया आपका 50, इसमें क्या क्या पूछ सकता है, जितना अभी तक हमने पूछा है सीखा है वो सब देख लगा रहे हैं, अब रिवीजन कर रहे हैं। आइए 50 के गुणनखंड, अच्छा आप सोचो क्या क्या हो सकते हैं 50 के गुणनखंड। अगर हम पूछते 50 के कुल गुणनखंडों की संख्या, आप नॉर्मल फैक्टर करते, 2 से ये जाता 25 बार, और फिर 5 से जाता तो 5, और 5 से जाता 1। अब देखते हैं क्या क्या पूछा जाता, तो भैया इसको पावर लिखते 2 की पावर 1 × 5 की पावर 2। अब अगर पूछता कुल गुणनखंड कितने हैं, तो कुल गुणनखंड आप बताइए, कुल गुणनखंड कितने होंगे, 1 है तो 2 लिखोगे, या 5 है 2 है तो 3 लिखो, तो कुल गुणनखंड कितने आ गए 6। अगर पूछता सम गुणनखंडों की संख्या, तो यहां सम जब पूछा जाता है तो 2 की पावर सेम टू सेम लिखते हैं, बाकी उसमें बहा के लिख देते हैं, तो भाई सब 3 हो जाता, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 3। और अगर पूछता विषम गुणनखंडों की संख्या, तो वहां 2 से कोई लेना देना नहीं है, या 5 की पावर 2 है तो 1 बहा के लिख दोगे 3, तो भैया टोटल गुणनखंड है 6, सम गुणनखंड है 3 और विषम गुणनखंड भी 3 है। अब अगर यहां पूछता कि सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए, सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए, तो क्या करते, या 2 की पावर 0 है तो आप लिखते 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2 को लिखते 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, तो यहां हो जाएगा 2 और 1 3 गुणे, तो ये हो जाएगा 25 और 5 30 और 1 31, तो भैया टोटल इनका योगफल जो निकल आता वो कितना निकल आता 93। सभी गुणनखंडों का जो योगफल निकल के आता वो आता 93। अगर पूछता सम गुणनखंडों का योगफल बताओ, तो समय 2 की पावर 0 ना लेना था, सिर्फ 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 2 होती है, और ये सेम टू सेम था, इसको 5 की पावर इसका मतलब हो जाता है 31, तो ये भैया कितने हो जाते, ये हो जाते आपके 62। अगर सम गुणनखंडों का योगफल पूछे तो भाई साहब आ जाएगा 62। और इन केस अगर वो विषम गुणनखंडों का योगफल पूछेगा, तो जब विषम गुणनखंडों का योगफल पूछेगा तो 2 से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस पोर्शन से लेना देना होता है, और इस पोर्शन से जब लेना देना होता है तो इसका मान तो 31 ही है, तो भाई साहब विषम गुणनखंडों का योगफल कितना आता है 31। यहां तक की बात के बाद फिर अगर हमने अभी सीखा कि गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाए, तो गुणनखंडों का गुणनफल के लिए अभी क्या सुना, एक फार्मूला सा सुन लिया, क्या गुणनखंडों का गुणनफल बराबर होता है संख्या की पावर गुणनखंडों की संख्या बटे दो। तो कैसे, संख्या, संख्या हमारी कितनी दी है उसने 50 की पावर, कह रहा गुणनखंडों की संख्या, और गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी है हमारी 6, गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है 6/2, तो इससे जाएगा ये 3 बार, और 50 की पावर 3 तो 50 का कण होता है 125, और भाई साहब इसके पीछे 3 0, तो आपका आंसर आ जाता है क्या जो सामने लिखा हुआ है। आशा करते ये बात आप सीख चुके हैं, आशा कर रहे ये बात आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और अगर ये बात समझ चुके हैं एक क्वेश्चन और बेहतरीन आपके सामने आया, एक क्वेश्चन और आया, अब थोड़ा सा और टाइप से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कह रहा 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 से विभाज्य है, वो कह रहा 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 से विभाज्य है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पता क्या करना है, वो कह रहा है 4 से विभाज्य है तो जिससे विभाज्य है उस 4 को बाहर निकाल दो, तो 72 में अगर हम 4 बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, तो 4 का इसमें भाग देके देख ले, 4 × 1 = 4 × 3 = 32। अगर 4 से विभाज्य बोल रहा है, 72 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 4 से विभाज्य है, तो जो जिससे विभाज्य कह रहा है उसको बाहर निकाल दो,
चार को बाहर निकाल लिया, बचा कितना 18। देखो जिससे विभाज्य पूछा जाए उसको हटा दो, इस चार को हटा दो, तो यहाँ कितना बाकी रह गया 18। तो आपको बस इतना निकालना है कि 18 तक के गोयनखंड कितने, 18 के गोयनखंड कितने हैं। तो 18 का अगर गोयनखंड निकालें, 2 से काटेंगे ये 9, फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो इसको अगर हम पावर में लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 गोणे 3 की पावर 2, और उसके गोयनखंडों की संख्या जो होगी, यहाँ 1 है तो 2 लिखोगे, या 2 है तो 3 लिखोगे, तो कहने का मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 6। कहने का मतलब 72 के ऐसे गोयनखंड जो 4 से विभाज्य हैं, मतलब जिनमें 4 का भाग चला जाएगा, ऐसी टोटल कितनी संख्याएं हैं 6। कहने का सीधा सा मतलब है वो जिससे भी विभाज्य पूछेगा आपको कुछ नहीं करना, उसको बाहर निकाल लेना है और सीधे सीधे जो बचेगा उसके फैक्टर आप कर दीजिएगा। आशा करते ही बात आपको समझ में आ चुकी है, और अगर बात समझ में आ चुकी है तो इस बात पर एक बार और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, कह रहे 100 के ऐसे कितने गोयनखंड है जो 5 से विभाज्य है, वो 5 से पूछा है, तो 5 को बाहर निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा 20, जब 20 बचेगा इस 5 को हटाओ, 20 पूछा है तो भाई साहब 20 तक के गोयनखंड निकाल दीजिए, तो ये हो जाएंगे 10, इससे कटेगा ये 5 और ये हो जाएगा 1। तो इसको जब पावर में दोगे तो 2 की पावर 2 गोणे 5 की पावर 1, या 2 पावर 3 लिख दो, या 1 पावर 2 लिख दो, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। वेरी गुड, मतलब 100 के ऐसे टोटल 6 गोयनखंड हैं जो हमारे किससे विभाज्य होंगे, 5 से। आशा करते ये बात आप सभी लोग समझ चुके होंगे, ये बात अगर समझ चुके हैं तो आइए आगे की बात को समाप्त करें, आज की बात को समाप्त करें। उससे पहले आज हमने जो भी सीखा हुआ है उसको एक नज़र पर देखते हैं, क्या सीखा आज हमने, आज हमने तमाम चीज़ें सीखी हैं। हमने सीखा हुआ है कुल गोयनखंडों की संख्या, सम गोयनखंडों की संख्या, विषम गोयनखंडों की संख्या, गोयनखंडों का योगफल, सम गोयनखंडों का योगफल, विषम गोयनखंडों का योगफल, और सबसे खास बात गोयनखंडों का गोयनफल। तो आइए एक बार जल्द से जल्द एक संख्या को देखते हैं, जैसे एक संख्या हमने बोल दी 60, हम इस 60 का सब कुछ निकाल लें जितना आज हमने सुना हुआ है। आइए 60 के फैक्टर करते हैं, 2 से होगा ये 30 बार, 2 से ये हो जाएगा 15, 3 से हो जाएगा ये 5 और 5 से होगा 1। अगर इसको हम लिखें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अगर पूछा जाए टोटल गोयनखंड कितने होंगे, तो आ जाइए सबकी पावर में एक एक जोड़ के लिखो, 3 गुणे 2 गुणे 2, तो भैया टोटल गोयनखंड हो जाएंगे 12। अगर पूछा जाए सम गोयनखंड, क्या याद है जब सम पूछा जाता है 2 की पावर 7 लिख दी जाती है, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर सम गोयनखंड कितने हो जाएंगे 8। अगर विषम पूछे जाते हैं तो सम से कोई मतलब नहीं है, तो भैया 3 का 1 है तो यहाँ 1 की जगह 2 लिख दो, या 1 है तो 2 लिख दो, तो विषम गोयनखंड कितने हो जाएंगे 4। अगर पूछा जाए सभी गोयनखंडों का योगफल, तो 2 की पावर 2 है, तो आप क्या लिखने वाले हो, कहाँ से स्टार्ट होगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1। तो आ जाइए 2 की पावर 2 4, 4 2 6 और 6 और 1 7 गुणे 3 और 1 4 गुणे 5 और 1 6, तो ये हो जाएंगे 6 चौको 24 गुणे 7, तो 7 चौको 28 और 7 दूनी 14 168। कहने का मतलब सभी गोयनखंडों का योगफल आपका कितना निकलेगा 168। इस जगह अगर सम गोयनखंडों का योगफल पूछता तो आपको पता है क्या हो जाता है, सिर्फ ये 2 की पावर 0 नहीं लिया जाता है, तो यहाँ 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 यानी 4 और 2 6 गुणे, ये तो हो जाएगा 4 और गुणे ये है आपका कितना 6, तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 गुणे 6 कर दीजिएगा, 6 चौको 24 2 और 6 दूनी 12 और 2 14 कितने हो जाएंगे 144। उसके बाद अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए विषम गोयनखंडों की संख्या, विषम गोयनखंडों का योगफल, और विषम गोयनखंडों का जो योगफल पूछा जाता है, तो पता है इस 2 का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किसका किसका लेना देना है इनका, तो आ जाओ इसका मतलब है ये 4 और ये 6 और 6 चौको कितने हो जाएंगे 24, तो विषम गोयनखंडों का जो योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा 24। उसके बाद हमने सीखा अगर गोयनखंडों का गोयनफल पूछा जाए तो उसके लिए क्या फार्मूला सुना, हमने सुना संख्या की पावर गोयनखंडों की संख्या बटे 2, संख्या हमारी कितनी है, आप बोलोगे 60 की पावर गोयनखंडों की संख्या, गोयनखंडों की संख्या कितनी है 12 बटे 2 और इससे ही कटेगा 6 बार, तो इनके गोयनखंडों का जो योगफल होगा वो कितना होगा 60 की पावर 6। आशा करते हैं आज जो भी बेहतरीन सी बातें हमने आज सुनी हुई हैं, आज हमने इतना सब कुछ सीखा हुआ है, और जो भी बेहतरीन सीखा हुआ है वो आज अपनी कॉपी में आपने नोट किया होगा, अपने माइंड में नोट किया होगा, और इन बातों को आप तब तक याद रखेंगे जब तक एग्जाम हॉल में इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की अपनी क्लास को हम विराम देते हैं, चीज़ों को हमने बेहतर सीखा हुआ है, ऐसे ही पर डे संकल्प परिवार द्वारा आने वाली सभी क्लासों को आप कंटिन्यू सीरियस तरीके से घर पर पढ़ते रहिए, और अपनी क्लासों
के नोट्स को बनाते रहिए, जिससे आप आसानी से अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आइए, अपने सफ़र को कंटिन्यू आगे बनाते रहिएगा। चलिए, आज के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।